नमस्कार दोस्तों, अपनी गाय भैंस को सरसों की खल खिलाएं या बिनोला की खल खिलाएं, कौन सी खल सबसे बढ़िया है? और सरसों की खल जो लोग खिलाना चाहते हैं और पशु उसको खाता नहीं, तो खास वीडियो आज की होने वाली, वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आज आपको तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे हम सरसों की खल पशु को आसानी से खिला सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखी थी, समस्या आपकी खत्म होने वाली है। और दूसरी तरफ बिनोला की खल के नुकसान और उसके रेट के अपडाउन, ये सारी बातें आज की वीडियो में होंगी। दोस्तों सबसे पहले प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देश व प्रदेश वासियों को फार्मिंग गुरुजी परिवार की तरफ से। दोस्तों अब बात आती है कि हमें अपने पशु को सरसों की खल खिलानी चाहिए या बिनोला की खल खिलाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली जो बात है वह यह है कि सरसों की खल पशु खाता नहीं है, और बिनोला की खल यदि हम खिलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि यह बिनोले की खल का जो चलन है, लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 20 से 22 साल इसको हुए हैं, ये अपने पीक पर है। 20-22 साल से इसका चलन हुआ है, और बिनोला की खल इतनी खतरनाक है कि जो पशुओं में गया भिन्न रहने की, इनफर्टिलिटी की, बार बार रिपीटर होने की और तरह तरह की बहुत सी समस्याएँ जो पैदा हुई है। और इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब न्यूट्रिस्ट से बात किए तो पता चला कि इसमें सबसे कम प्रोटीन है, बहुत ही नुकसानदायक यह है। और दूसरा कारण यह है कि सबसे ज़्यादा जो स्प्रे, जो केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है वो कपास को पैदा करने में होता है। तो दोस्तों सिरे से बिनोले की खल को हमें नकार देना चाहिए, बिनोले की खल को अपने पशु को नहीं खिलाना चाहिए। अब बात आती है कि सरसों की खल तो हम खिलाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से पशु सरसों की खल खाते नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए जो बात है, जो फार्मूला है, हमने कैसे खिलाना शुरू किया उसके बारे में आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों किसी भी पशु का पशु आहार जब हम बदलते हैं तो उसको एकदम नहीं बदलना चाहिए। चाहे आप बिनोला की खल से सरसों की खल पर आ रहे हैं या अभी तक कुछ और खिला रहे थे और कुछ भी आप बदलाव करना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसका बदलाव करना चाहिए। तो सरसों की खल खिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपने पशु को आप सबसे पहले सरसों खिलाना शुरू कीजिए। सरसों खिलानी कैसे है, आप सरसों लेकर आए, उसको पीस लें, उसके दो टुकड़े कर लें, और किसी भी पशु को सरसों की खल खिलाने से पहले आप 5 से 7 किलो सरसों खिला दें। सरसों खिलानी कितनी है, एक दिन की आधा किलो आप खिला सकते हैं, 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम, बड़े चाव से खाती है। आप अभी तक जो भी फीड खिला रहे हैं उसमें वह डालना शुरू कर दें तो वह पशु को उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद बात आती है कि फिर जब हम फीड जो खिला रहे हैं, अभी तक आप बिनोला खल खिला रहे हैं या अन्य कोई फीड खिला रहे हैं, उसमें 200 से 250 ग्राम की मात्रा धीरे धीरे शुरू करें। शाम को भिगो कर रख दें और सुबह उसको खिला दें, और सुबह को भिगो कर रखें उसको शाम को खिला दें। 250 ग्राम से मात्रा शुरू करें एक पशु के लिए और फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते जाएँ। और सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए क्या होगा कि आप सरसों की खल जब आधा किलो भिगोते हैं तो उसमें आप 100 से 150 ग्राम चने की चूनी, जिसको चने की चूरी बोलते हैं, वो मिला दें तो उसमें जो एक गंध होती है सरसों की खल में, उसमें चने का टेस्ट डेवलप हो जाएगा और पशु बड़े आसानी से खाने लगेगा। तो दोस्तों तीन तरीके हैं, पहले उसको आप सरसों खिलाएँ, उसके बाद सरसों की खल में आप चने की चूरी मिलाकर खिलाएं, और सबसे लास्ट में बड़ा ही खास फार्मूला, यदि फिर भी कोई पशु नहीं खाता है तो उस पशु की नाक में आप सरसों का तेल लगा दें फीड डालने से पहले, 100% गारंटेड पशु सरसों की खल खाने लगेगा। और जिन भाइयों के ये कमेंट आते हैं कि मेरे यहाँ फैट कम आती, दोस्तों निश्चित ही फैट उससे बढ़ जाएगा सरसों की खल से, और पशु समय पर क्या भिन्न होगा, उसकी सेहत सही रहेगी, स्वास्थ्य सही रहेगा, और उसको जो अलग से हम सरसों का तेल देते हैं वो भी देने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये चार तरीके आप अपनाकर अपने पशु को 15 से 20 दिन में बिल्कुल उसका फीड चेंज कर सकते हैं और उसको बिनोले की खल से सरसों की खल पर लेकर आ सकते हैं। और सरसों की खल का रेट की बात करते हैं तो ज़्यादा उतार चढ़ाव उसमें नहीं रहता और न ही आगे भी रहेगा, क्योंकि यह खाद्य तेल ज़रूरी सामान में आता है तो सरकार भी इसके ऊपर नियंत्रण करती है। बिनोले खल के ऊपर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है, उसके रेट पर कोई नियंत्रण नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार यदि आपने सारी बात समझ ली होगी, फिर भी आपको कोई शिकायत, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 15 से 20 दिन में हमें बिनोला खल से सरसों की खल पर आ सकते हैं और अपने पशु की सेहत और आप भारे फार्म पर निश्चित ही लक्ष्मी आएगी, धन आएगा, क्योंकि हमारा बहुत सा पैसा बचेगा और पशु स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये छोटी सी वीडियो थी आपके साथ,
शेयर करना जरूरी समझा। जो भाई बहन पहली बार इस चैनल पर आए, साइड में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है उसको प्रेस कर लें और साथ में बेल के बटन को भी दबा लें, और उसके बाद एक ऑल लिखा आएगा उसको दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा नहीं लगता। अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।